अब हम बात करेंगे ट्रेंसीटिव वर्ब्स की विच आर द ट्रेंसिटिव वर्ब्स ट्रेंसिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट सिंपली आई वुड लाइक टू से ट्रांसटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट एंड इट ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन वट एंड हो या फिर दूसरी सेंस में हम ये कह सकते हैं कि वेन द एक्शन शिफ्ट फ्राम सब्जेक्ट तो टू तो ऑब्जेक्ट जब एक्शन जो है Uh, जो कि डूअर ऑफ दी सब्जेक्ट यानी जो एक्शन का जो डूअर होता है उसके बजाय वो किसी सब्जेक्ट पे हो सो दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब्स फॉर एग्जांपल शी लव्स हर पेरेंट्स शी लव्स व्हाट शी आई कॉट द फिश आई काट व्हाट तो इसमें शी लव्स फ़िकरा मुकम्मल नहीं हो रहा सो इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट शी लव्स हर पेरेंट्स हर पेरेंट्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे यूज़ हुआ है सो so ट्रांस trans, ये ट्रांजिटिव वर्ब है शी लव्स शी जो है वो एक सब्जेक्ट है लव्स जो है वो एक वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है हर पेरेंट्स क्योंकि ये object, इसके लिए इसके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है इट ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन वॉट ये हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं क्या फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम रीडिंग अ नावल बट वेन आई से आई एम रीडिंग क्या वट आई एम रीडिंग अ नॉवल आई एम रीडिंग अ नॉवल ठीक है अब ट्रांसिटिव वर्ब्स में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है लुक एट द एग्जाम्पल फर्स्ट आई कॉट द फिश आई कॉट ये ट्रांसिटिव वर्ब है आई कॉट वट कॉट आई कॉट द फिश द फिश जो है वो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक नाउन या प्रोनाउन है विच रिसीव्स एन एक्शन द फिश जो है वो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बट वेन आई से गिव्स हर द फिश अब हर जो है वो इसमें इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है विच इज़ द ऑप्शनल पार्ट ऑफ़ द ऑब्जेक्ट बट इट इज़ द रिसपियंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इट आंसर्स द क्वेश्चन वट इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं क्या और इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इस इट आंसर्स द क्वेश्चन टू होम और फॉर होम यानी किसके लिए और कौन अब हम बात करते हैं इन ट्रांसटिव वर्ब्स की इन ट्रांसटिव वर्ब्स क्या होते हैं इन ट्रांसटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच डो नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि ऑबजेक्ट के साथ मुकम्मल होते हैं इन ट्रांसटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें फ़िक्रे को मुकमल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती यानी विच डू नाट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट इन विच दी एक्शन डज नॉट पास ओवर टू एन ऑबजेक्ट इसमें एक्शन जो है वो शिफ्ट होता है सब्जेक्ट से ऑबजेक्ट की तरफ और उसमें एक्शन जो है वो शिफ्ट नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल ही ड्रिंक्स मच तो इसमें ही ड्रिंक्स मच जो है तो ड्रिंक्स के साथ किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी सो दिस इज़ कॉल्ड आ ट्रेंसिटी वर्ब्स सो ब्रीफली वी हैव डिस्कस द टॉपिक वर्ब यू कैन डिस्कस दिस यू कैन टेक दिस टॉपिक माइन्यूटली और उसको आप अपनी बुक पे राइट डाउन भी कर सकते हैं ओके okay.